नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आए हैं। मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्हें तो कोई प्रधानमंत्री आज तक बने में नहीं किया। 400 वो तो नीतीश जी की सरकार ने दिया। 400 पार। उनका काम तो वैसे भी सब ठीक ही है। सब ठीक ही है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। अबकी बार वही। देखिए, करीब शाम के 5 बजने वाले हैं और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आज पटना में शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम बीजेपी पार्टी ऑफिस के सामने मौजूद है, आपको माहौल दिखाने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि पटना का, राजधानी पटना का और खासकर बीजेपी ऑफिस के सामने क्या माहौल है, किस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता जो है वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को सफल बनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मोदी जी आ जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके से पूरे बिहार में खुशी है और देख रहे हैं कि ये भाजपा कार्यालय है और यहाँ पे कितने जनसंख्या में सभी जो यहाँ प्रत्याशी, यहाँ के जो भी लोग हैं, सब यहाँ के कार्यकर्ता लोग बहुत मौजूद हैं यहाँ। किस तरीके से सफल बनाया जाएगा, आप लोग की तरफ से क्या तैयारियाँ? हम लोग गठबंधन में है, मैं LJP पार्टी से हूँ, हेमलता पासवान प्रदेश महासचिव, और कल हम लोग का भी हाजीपुर प्रोग्राम है, वहाँ भी हम लोग लगे हुए हैं। जी जी, हम लोग का भी संबोधन करेंगे, मंच पे भी संबोधन करेंगे और हम लोग पूरे तैयारी से लगे हुए हैं, अभी बहुत समय से लगे हुए हैं वहाँ पर, जोरों शोर से हम लोग हाजीपुर में तैयारी से लगे हुए हैं। देखिए, और भी जो तमाम कार्यकर्ता है बीजेपी के वो मौजूद है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत रोड शो सफल बनाने की एकदम सफल होगा, सफल होगा, एकदम सफल होगा। एक तरफ तो कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि रोड शो कर ले, हम जॉब शो करेंगे। जॉब शो वो तो नीतीश जी की सरकार ने दिया। 400 पार। नीतीश जी की सरकार ने दिया जॉब शो। तेजस्वी ने नहीं दिया? नहीं नहीं, वो तो कहते हैं कि हम ही किए हैं, वो तो खाली बैठे रहते थे। अगर करना था तो 17 साल में काहे नहीं किए? ये नहीं, 17 महीना में किए हैं। 17 महीना उनके कार्यकाल में, नीतीश जी के कार्यकाल में हुआ है, उनके तेजस्वी जी के कार्यकाल में हुआ है। 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 400 पार। इस बार भी आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे। चलिए, तो देखिए तमाम जो और भी लोग हैं, हम आपको और बीजेपी ऑफिस के भीतर लाएंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पर, किस तरीके से जो कार्यकर्ता, जो नेता है वो मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं अपने अपने जो जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री है उनका स्वागत करने की। तमाम महिलाएं भी आई हुई हैं, आपको दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? इस्लामपुर से। किसके लिए आई हैं? मोदी स्वागत जी को स्वागत करने के लिए। हाँ। स्वागत करेंगे? करेंगे ना, तो करेंगे। हाँ। आप बताइए, हेलो, कहाँ से आई हैं? नालंदा से। नालंदा से आई हैं, कैसा लग रहा है मोदी जी? और बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का बात है। हाँ। मोदी जी से क्या, मोदी जी के बारे में कुछ जानती हैं क्या, कुछ उनका काम आपको अच्छा लगा है? उनका काम तो वैसे भी सब ठीक ही है। सब ठीक ही है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। अबकी बार वही वही आएंगे। तो देखिए, और भी महिलाएं जो है वो मौजूद है, कहाँ से आई हैं चाची? हमने नालंदा डिस्ट्रिक्ट इस्लामपुर प्रखंड से आए हैं। मोदी जी को सुनने के लिए, मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। तो देखिए, तमाम जो महिला कार्यकर्ता है, जो पुरुष कार्यकर्ता है, वो जो है वो पार्टी ऑफिस में मौजूद है और यहाँ तमाम जो लोग हैं वो नालंदा से, दूर दूर से, या सिर्फ पटना से ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को सफल बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ से की जा रही है। हाँ, कहाँ से आई हैं? आए हैं नालंदा जिला से। किसे, किसको सुनने के लिए? इस्लामपुर प्रखंड, नालंदा जिला इस्लामपुर प्रखंड। और आए हैं महेंद्र यादव के नेतृत्व में। हाँ। महेंद्र यादव लाए हैं। हाँ। और हम लोग श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आए हैं। मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन्हें तो कोई प्रधानमंत्री आज तक बने में नहीं किए, नहीं बने। तो देखिए, महिलाओं की दीवानगी है ये, जो है महिलाओं की दीवानगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत करने के लिए। आपको तमाम अपडेट्स जो है वो हम देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन सचिन के साथ, पटना।